बच्चों आज हम इंटीजर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास सिक्स और क्लास सेवन दोनों का ही हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। इंटीजर्स में हमने आप लोगों को बताया था, जब हमने नंबर सिस्टम बताया था कि नेचुरल नंबर्स होते हैं जितने काउंटिंग नंबर्स हैं, और काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर का सेट अगर हम दिखाते हैं तो 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर क्या होते हैं, तो उसमें जीरो भी बढ़ जाए तो वो होल नंबर आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स जेड और आई इनपुट सेट को इसमें निगेटिव नंबर भी आते हैं, -3, -2, -1 इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, -3, -2, -1 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये सेट होता है नेचुरल नंबर में केवल काउंटिंग नंबर्स होते हैं, होल नंबर में जीरो भी आ जाता है, जीरो और नेचुरल नंबर्स मिलके होल नंबर हुए, और इंटीजर्स निगेटिव पॉजिटिव और जीरो सारे नंबर्स को, इंटीजर सबसे बड़ा सेट होता है। तो इंटीजर्स के बारे में हम डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे बोला जाए 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो मीन्स -4। अगर हमको इसको इंटीजर से रिप्रेजेंट करना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, कुछ टर्म्स हम देख रहे हैं, तो इसको इंटीजर से रिप्रेजेंट करना है तो -4 इसको रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर से। इसी तरह से अगर हमारा है 100 मीटर अबव सी लेवल, ऊपर वाले के लिए हम +100 या केवल 100 ही लिख देते हैं, +100 नहीं जनरली साइन लगा होता है। इसी तरह से अगर है विन बाय थ्री रन्स और 3 गोल्स, तो इसको +3 या 3 लिखते हैं, और लॉस ऑफ ₹50, तो इसको -50 लिखते हैं, लॉस ऑफ ₹50, लॉस को माइनस से, प्रॉफिट को प्लस से। ये कुछ एक टर्म होते हैं जिसके लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं, किन के लिए माइनस यूज साइन करते हैं। अब इंटीजर्स को सबसे पहले हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, देखिए अगर ये नंबर लाइन है और इक्वल स्पेसिंग है, हो सकता है हमसे ड्रॉ करने में इक्वल स्पेसिंग ना आए, पर आपको इक्वल स्पेसिंग है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 -1, -2, -3, 4, -5, -6, -7 ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरीके से नंबर। अगर हमको कोई बोला जाए -4, तो यहां पे हम इसको डॉट करके ए पॉइंट कर देंगे, ए रिप्रेजेंट -4, बी इज +7, तो यहां बी इज +7, नाउ बी इज -7, ये तो हुआ। उसके बाद नेगेटिव नंबर यहां पे देखिए, 8 नंबर 7 से ग्रेटर है क्योंकि 8 राइट साइड में है, -1, -2 से बड़ा है क्योंकि -1 राइट साइड में है, -1 सबसे बड़ा है, -9, -9, -32 कौन सा बड़ा होगा, -32 बड़ा होगा। नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होता है वो एक्चुअली बड़ा होता है। तो ये तो चीज हुई। अब इसमें हमें सपोज हमें कहा जाए राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, क्वेश्चन इज -3 एंड -4 के बीच के सारे इंटीजर्स, तो -3 से बाद में आता है -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, 1, 2, 3 इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 4 आर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको बोला जाए इंटीजर्स फर्स्ट बिटवीन सेकेंड बिटवीन
बिटवीन -6 and -13. हम मालूम है कि -13 छोटा है, तो -13 को इधर रखते हैं और बड़ा नंबर इस तरफ रखते हैं, तो -12, -11, -10, -9, -8, -7, then -6. These are the number integers between -6 and -13 are these. इस तरीके से हम इनको फिल करते हैं. अब उसके बाद हमारे पास आता है कंपेयर करना. कंपेयर करने के लिए अगर हमें दिया है फर्स्ट कंपेयर, क्वेश्चन इज कंपेयर द कंपेयर राइट लेस देन और ग्रेटर देन. सपोज हमें लिखा है -15 and 15. हमें मालूम है पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है. अगर इधर लिखा है -23, इधर -32, तो -32 इज स्मॉलर, -23 इज ग्रेटर. 0 और -48, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर. इस तरीके से कंपेयर करा जाता है. इसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है, क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ अरेंज द बिलो सेट ऑफ इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर. सपोज गिवन इज -43, -34, -12, -18, -21 and 4. हमें मालूम है निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है. निगेटिव में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? -43. तो अब इंटीजर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सपोज हमने लिखा है अरेंज द फॉलोइंग सेट और बिलो सेट ऑफ इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. इसी तरह डिसेंडिंग भी होगा. हम एक एग्जांपल दे रहे हैं. सपोज -43, 34, 12, -18, -21, 4. हमें मालूम है नेगेटिव नंबर जो होता है पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, तो इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर सबसे छोटे नेगेटिव नंबर होंगे. नेगेटिव में सबसे छोटा -43, देन -21, देन -18, देन 4, देन 12, देन 34. ये तो हुआ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में. इसके बाद एक आता है एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी डेफिनेशन ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को दो पहले लाइन के बीच में कोई नंबर लिख देते हैं तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स कहलाती है, मॉड ऑफ एक्स कहलाता है. ये इसका आंसर ये है कि इट गिव्स एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इट गिव्स -x इफ एक्स इज लेस देन 0. यानी निगेटिव होगा तो ये माइनस, जैसे को तैसा. अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फेंकेगा, निगेटिव है तो माइनस फेंकेगा. तो इसका मतलब जैसे 2 का है बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 0. अगर -2 है तो -2 अगेन 2 हो जाएगा,
माइनस टू इज लेस देन जीरो, तो ये माइनस एक्स, ये माइनस है और ये एक्स है, माइनस एक्स मतलब कहने का सार कहने का है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, अगर निगेटिव है तो भी उसको पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव वैल्यू को भी ये पॉजिटिव कर देता है। तो बेसिकली अगर हमने लिखा है मॉड ऑफ 20 तब तो इसका आंसर 20 आएगा, और माइनस 20 लिखा है तो भी उसका आंसर 20 ही आएगा। ये हमेशा नंबर से बड़ी वैल्यू या उसके बराबर वैल्यू तक कभी भी छोटी वैल्यू नंबर से नहीं देता। अब इसमें हमें क्वेश्चंस हैं, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन इज दिस, फर्स्ट 5, सेकेंड -7, थर्ड -7100 इसमें एब्सोल्यूट साइन बना हुआ है, फोर्थ 0, फिफ्थ माइनस ऑफ मॉड ऑफ -6, मॉड ऑफ -6। देखिए फर्स्ट केस में क्या हुआ, मॉड ऑफ 5, ये 5 देगा, 5 का 6 नहीं देता, 5 का 5 ही देता है, पॉजिटिव करके देता है फर्स्ट। सेकेंड मॉड ऑफ -7 विल बी 7, थर्ड मॉड साइन लगा हुआ है -7100, ये अंदर नंबर कौन सा है -7, तो ये हो जाएगा +7100। फोर्थ मॉड ऑफ 0 इज 0, फिफ्थ माइनस मॉड ऑफ -6, ये तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा, ये -6 क्या हो जाएगा +6 बन जाएगा, पर बाहर माइनस साइन की वजह से इसका आंसर -6 आएगा। तो इस तरीके से ये सम सॉल्व करते हैं। अब आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, हम आपको नंबर लाइन पे इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाद में बताएंगे, पहले हम आपको ये बता रहे हैं। सपोज दो नंबर को लेते हैं -7 -3, ये केस है कि दोनों निगेटिव हो, हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो 5 + 10, हो सकता है कि एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, हो सकता है कि बड़ा वाला निगेटिव हो और छोटा वाला पॉजिटिव हो, ये चार केसेस हैं। अगर दोनों निगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव है नंबर, या सारे निगेटिव हैं, 2 क्या 4 क्या 10 क्या, सारे निगेटिव हैं और सारे पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, तो ये 7 + 3 = 10 और 5 + 10 = 15, माइनस है तो कॉमन नंबर माइनस है दोनों का, और इसका प्लस कॉमन है तो +15 के आगे प्लस में लगाते हैं, पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव होने में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 - 5, यहां पे भी 5 आएगा यहां पे भी 5 आएगा, लेकिन यहां पे बड़ा वाला पावरफुल है तो प्लस साइन आएगा, यहां छोटा वाला पावरफुल है तो माइनस साइन। आप इसको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, जैसे कि हमने यहां पे लिखा -5 - 10 - 20 - 30, चारों नेगेटिव नंबर है तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 20, 30, 50, 60, 65 ऐड होकर, और सब में कॉमन क्या है माइनस साइन है तो माइनस साइन पुट किया। अगर हमने यहां पे लिखा 7 + 5 + 2 + 8 + 10, ये ऐड करेंगे इन सारे पॉजिटिव है तो ऐड करेंगे 8 to 10 10 20 32 इज द आंसर। इसमें सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन है, लेकिन सब्ट्रैक्शन हमेशा दो नंबर में होगा, कभी भी ज्यादा नंबर में नहीं, तो उस केस में एक नेगेटिव होगा -15 + 3। अब हम क्या करेंगे एक नेगेटिव और पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया तो 15 - 3 = 12 बचा, और निगेटिव वाला ज्यादा पावरफुल है तो माइनस साइन आएगा। इस तरीके से हम करते हैं, याद रखिए निगेटिव के जितने भी निगेटिव है सबको ऐड कर लिया जाए और जितने पॉजिटिव है उनको भी ऐड किया जाता है, लेकिन एक निगेटिव एक पॉजिटिव होने में सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसके बाद अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करवाना चाहेंगे आप लोगों के साथ,
उसके बाद हम बुक से करवाएंगे, नंबर लाइन में हम बाद में करवाते हैं, पहले हम इन चीजों को क्लियर कर दें एडिशन सब्ट्रैक्शन का। देखिए अगर हमने लिखा है -20 +30 -15 +10 -5 -3 सपोज और +25 सपोज दिस इज द थिंग, तो हमारे पास पॉजिटिव कितने हैं, 1 2 ये नेगेटिव 3, इन तीनों को ऐड कर लिया 30 40 65। नेगेटिव कितने, 1 2 3 4, इन सबको ऐड किया 35 543 -43। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया, तो हम क्या करेंगे, सारे नेगेटिव को ऐड किया माइनस साइन लगाया, सारे पॉजिटिव को ऐड किया प्लस। देखिए हम ये कह रहे थे कि इसमें ये नंबर है -20 +30 -15 +10 -5 -3 +25, तो हमने प्लस वाले क्यों थे 30, 10 और 25, इनको ऐड किया 65 आया, इसको यहां रखा, निगेटिव वाले सारों को अलग ऐड किया -35 40 -43, इनको अलग और माइनस साइन, निगेटिव वाले के साथ माइनस साइन लगाया, पॉजिटिव वाले के साथ प्लस साइन। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव में क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया 22 आया, दिस इज 22, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है तो पॉजिटिव साइन, अगर निगेटिव बड़ा होता तो माइनस साइन आता। तो इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर्स को लेके भी करते हैं। ये तो हुआ एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्लास 7 तक पढ़ाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को भी जरूर डिस्कस करेंगे, फिलहाल एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ही है। इसमें कुछ सम्स करते हैं, देखिए एड विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन -8 और -4, बीच में क्या साइन है, -8 लिखा प्लस -4 दूसरा नंबर लिखा, हमें मालूम है कि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस साइन, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, लेकिन प्लस माइनस का साइन साइन आएगा माइनस का, तो -8 -4 एडिशन में वही साइन रहता है जो साइन है, तो यहां पे आ जाएगा -12, क्योंकि दोनों निगेटिव है तो एड किया और माइनस साइन लगाया। यहां पे 5 प्लस -4, प्लस माइनस का साइन माइनस आएगा, -4 एक पॉजिटिव एक निगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा और बड़े वाले का नाम साइन चलेगा, यहां पे एक निगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 7 आया और पॉजिटिव वाला बड़ा है तो पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। नाउ ये -692 + 258, एक पॉजिटिव एक निगेटिव में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 692 258 434, पर निगेटिव वाला बड़ा है तो माइनस साइन आएगा यहां पे, यहां -729 + -7098 + 729 + -2, -729 + - साइन माइनस का आया 7098 + 729 - 2। अब देखिए +729 - 29 में माइनस होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये एक सेम नंबर की कैंसिल आउट भी कर देते हैं, दोनों नेगेटिव ऐड होंगे, 98 + 200 होता है तो -7100 इज द आंसर। अब देखिए फाइंड द सम 200 + - कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन 55 + -, दो साइन कभी भी नहीं रहते, दो का एक साइन हो जाता है, -77 + -60। निगेटिव वाले हमने कहा था सारे जितने निगेटिव उनको आप ऐड कर लीजिए और जितने पॉजिटिव उनको अलग ऐड कर लीजिए, तो यहां पे 55 77 and 68। -200 आंसर विल बी द 0। नाउ सेकेंड क्वेश्चन,
700 प्लस माइनस एक साइन करेंगे तो -3 प्लस माइनस -1 प्लस 1 प्लस माइनस -400 प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसको कैंसिल आउट किया तो प्लस 1 और -1 तो आपस में कैंसिल हो गए. 703 -3 इज 700 -400, या आप ऐसे लीजिए दोनों नेगेटिव को ऐड किया 703 -403 दोनों नेगेटिव ऐड हुए 400 प्लस 3 403 दैट इज 300 आंसर इज 300. इस तरीके से सम सॉल्व होते हैं. देखिए फाइंड द सक्सेसर एंड प्रेडेसर ऑफ ईच अदर. सक्सेसर कैसे मिलता है प्लस 1 करने पे, प्रेडेसर कैसे मिलता है माइनस 1 करने पे. तो सक्सेसर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, प्रेडेसर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4. यहां सक्सेसर -3 प्लस 1, एक निगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा और बड़े वाले का साइन, हमेशा एक निगेटिव एक पॉजिटिव में ही सब्ट्रैक्ट होता है. प्रेडेसर निगेटिव -1 करेंगे, दोनों निगेटिव तो ऐड हो जाता है और माइनस साइन, आंसर आएगा -2. यहां पे सक्सेसर -100 प्लस 1, एक पॉजिटिव निगेटिव सब्ट्रैक्ट किया तो 99 आया और बड़ा वाला पावरफुल है माइनस. प्रेडेसेसर -100 -1 दोनों निगेटिव को ऐड करेंगे -101. नाउ सक्सेसर 0 प्लस 1 इज प्लस 1, प्रेडेसर 0 माइनस 1 इज माइनस 1. तो ये इस तरीके से सक्सेसर एंड प्रेडेसर होते हैं. देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड, फ्रॉम द सेकंड तो सेकंड फ्रॉम वाला हमेशा पहले लिखा जाता है, फ्रॉम द सेकंड तो सेकंड पहले लिखा जाएगा -2 और 8. सब्ट्रैक्ट का साइन है तो बीच में माइनस साइन, ये सेकंड इंटीजर फर्स्ट इंटीजर और बीच का माइनस साइन इज द सब्ट्रैक्ट का साइन. तो ये -2 -8 हो गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों निगेटिव है तो ऐड किया और माइनस साइन. सेकेंड वाला -12 पहले लिखा -15 बाद में और सब्ट्रैक्ट का साइन है तो माइनस, तो -12 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस साइन 15. एक पॉजिटिव निगेटिव सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 आया और पॉजिटिव का साइन. यहां सेकेंड नंबर पहले लिखा माइनस सब्ट्रैक्शन का साइन और ये फर्स्ट नंबर तो 307 प्लस 93 दैट इज 400. यहां 0 सेकेंड नंबर पहले और -267 पहले और माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 प्लस 267 आंसर इज 267. देखिए इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 माइनस -15 -10. तो यहां पे हम पहले तो दो साइन का एक साइन करते हैं, यहां से स्टार्ट किया -8 से स्टार्ट किया माइनस माइनस प्लस 15 और -10. हमने कहा था दोनों निगेटिव को ऐड कर लीजिएगा और माइनस साइन लगेगा तो -18 प्लस 15. अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा 3 आएगा 18 माइनस 15 और बड़े वाले नंबर का साइन लगता है. यहां पे देखिए 6 माइनस 7 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23. दोनों पॉजिटिव को ऐड कर लीजिए 29 माइनस 7 दैट इज 22. यहां 3 माइनस तो ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व किया जाता है 3 माइनस 4 एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा और माइनस 1 आएगा क्योंकि बड़ा वाला निगेटिव है. यहां पे प्लस माइनस 1 अब ये दो का एक साइन होना है तो माइनस 1 प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 1 दोनों नेगेटिव ऐड होंगे आंसर आ जाएगा -2. यहां देखिए -60 माइनस माइनस प्लस 58 और माइनस माइनस प्लस 2 तो -60 प्लस 60 कैंसिल आउट हो जाएगा आंसर 0. नाउ ये 19 माइनस माइनस 4 माइनस 17 एंड 4 माइनस 4
-17, दोनों नेगेटिव को ऐड करेंगे 19 माइनस -21, दोनों को ऐड करके माइनस साइन, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19 प्लस 21 दैट इज 40 इज द आंसर। अब देखिए यहां पे यूजिंग लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू फिल इन द ब्लॉक्सेस टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। पहले हम इस साइड, ये मान लीजिए बॉक्स का लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को अलग, फिर कंपेयर करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये माइनस वन प्लस माइनस, दो साइन का एक साइन, तो प्लस माइनस माइनस फाइव, दोनों निगेटिव तो एड किया माइनस सिक्स, ये माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस फाइव हो जाएगा, एक साइन होगा दो का। अब एक निगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़े वाले का साइन, तो माइनस सिक्स और माइनस टू में ऑब्वियसली माइनस टू इज ग्रेटर, तो ये वाला बॉक्स ग्रेटर देन साइन। नाउ दोनों पॉजिटिव को ऐड कर लिया, माइनस 135 प्लस 105, तो दैट इज माइनस 30 इज द आंसर। एक पॉजिटिव एक निगेटिव सब्ट्रैक्ट किया और बड़े वाले का साइन, यहां माइनस 159 प्लस 81 प्लस 160। नाउ दोनों पॉजिटिव को ऐड किया, माइनस 159 प्लस 241। अब 241 में 159 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 82 इज आंसर। तो पॉजिटिव नंबर है ये बड़ा होगा, सो दिस इज द ग्रेटर। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर को डिस्कस करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन पहले दो नंबर को लेके डिस्कस करते हैं, जैसे माइनस थ्री इंटू माइनस टू, एक है माइनस थ्री इंटू फाइव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों निगेटिव, दोनों पॉजिटिव, फोर इंटू सिक्स। तो यहां दोनों निगेटिव है, मल्टीप्लाई किया, थ्री टू जा सिक्स करेंगे तो हम मल्टीप्लाई, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करना है, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री टू जा सिक्स, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर। यहां दो साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहां माइनस साइन आएगा, और दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। हम मल्टीप्लीकेशन में दो से ज्यादा नंबर को भी डील करके आपको ये बताते हैं कि सपोज लिखा है माइनस थ्री इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस टू इंटू माइनस वन, तो हम पहली बार ये नंबर करेंगे तो मल्टीप्लाई थ्री इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, थ्री टू जा सिक्स, थ्री जा एटीन, टू जा 36, आंसर हमारा 36 तो आएगा। अब वो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, तो देखिए ये वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव क्या है ऑड साइंस है, निगेटिव साइन कितने ऑड, वन हो थ्री हो फाइव हो तो हमारा माइनस साइन लगता है यहाँ पे, और अगर टू है, अगर यहाँ पे ये ना हो कि ये प्लस होता तो यहाँ पे प्लस 36 आता, दो है चार है छह है आठ है, अगर इतने निगेटिव साइंस पॉजिटिव है, इवन है निगेटिव साइंस, दो है चार है, जैसे यहाँ पे दो थे तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे एक है ऑड है तो निगेटिव हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ क्योंकि चार थे, अगर यहाँ पे एक और कर दे तो यहाँ पे ये निगेटिव आएगा, सात निगेटिव साइन हो, आप निगेटिव साइन पहले काउंट, पहले तो करेंगे मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई कीजिए और निगेटिव साइन काउंट कीजिए, अगर वो इवन है निगेटिव, यहाँ पे फाइव निगेटिव है तो फाइव निगेटिव इज द ऑड, ऑड है तो हमारा माइनस साइन, अगर इवन है तो हमारा प्लस साइन होता है। इसी तरह डिवीजन तो केवल दो नंबर में होता है, माइनस सिक्स अपॉन टू, एक निगेटिव है तो यहां पे माइनस साइन आएगा, दोनों निगेटिव है तो हमारा माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस साइन आएगा, दोनों पॉजिटिव है टेन अपॉन फाइव तो भी हमारा पॉजिटिव, दोनों निगेटिव है दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, एक निगेटिव पॉजिटिव होने पर माइनस साइन आएगा, यानी ऑड टाइम पे होने पर माइनस, इवन टाइम होने पर प्लस साइन आएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और उसका होता है, इसके कुछ सम्स करवा देते हैं हम आपको। देखिए इसमें माइनस सेवन इंटू थ्री, एक निगेटिव साइन है तो साइन तो निगेटिव ही आएगा, सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन। अब ये कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो वो जीरो हो जाता है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहां पे तीन निगेटिव साइन है, जब ऑड टाइम्स होता है तो माइनस साइन आता है, सिक्स फाइव जार थर्टी, फाइव फाइव जा फाइव, टू जा टेन, टू थ्री एट जीरो तो आंसर आ रहा है, और एक निगेटिव साइन है तो माइनस ही साइन है, एक तीन पांच निगेटिव होते हैं तो माइनस साइन आता है, यहाँ एक दो तीन निगेटिव है माइनस साइन आएगा,
25 is 100, तो 4800 विल बी द आंसर। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स होता है। अब डिवीजन दिखाते हैं आपको, देखिए इसमें फाइंड डिवीजन, दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 19 3 57 आंसर पॉजिटिव 3 आएगा। यहाँ एक नेगेटिव है तो माइनस साइन तो आना है, 1 आएगा, 23 upon 23 is 1। 18 plus minus 18 0 upon minus 20, 0 upon anything will be the 0। यहाँ minus 30 plus 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 19 minus 13 is minus 13, दैट इज -12 upon 6 इज इक्वल टू -2। ये 19 upon -5 is -18, डिवाइडेड बाय 9 9 81 9, तो -2, इसका आंसर भी -2। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, 0 upon 20 है, 2 है, 22 है, आंसर 0 आता है, लेकिन 22 upon 0 इज नॉट डिफाइंड, इसका आंसर इंफिनिटी आता है, इसका आंसर इंफिनिटी आता है, इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता डिवीजन में, वो नॉट डिफाइंड है।